दिल्ली में बिगड़े लगी प्रदूषण स्थिति। रविवार सका सका आनंद विहार अंचल एयर क्वालिटी इंडेक्स 400 पार कर बेले अनेक स्थान में 250 पार कर एयर क्वालिटी इंडेक्स। इंडिया गेट रे लोके अणनिश्वासी हो पड़ते। दीपावली पूर्व वायु प्रदूषण को नहीं चिंता जाहिर कर दिल्लीवासी। सेपटे स्थितर मुकबिला करने दिल्ली और केन्द्र सरकार शेष हो एक गुरुत्वपूर्ण बैठक। नड़ा न जाड़ी रोक लगे अपील कर दिल्ली सरकार। धुआं धुआं दिल्ली, दीपावली पूर्वर अणनिश्वासी राजधानी। दिल्ली में 400 पार कला एक्यूआई। इंडिया गेट, गाजियाबाद, गुरुग्राम, आनंद विहार, दिल्लीर समस्त अंचल सका सका लगी लोकों गहली। कई कई मुहरे मास्क लगे सका भ्रमण करे अणनिश्वास हो पड़ी। नवेम्बर आरंभ नहेणु ये हूँ दिल्लीर स्थिति। दिल्ली में एवं बिगड़े लगला वायु प्रदूषण। एक्यूआई बा एयर क्वालिटी इंडेक्स स्थिति बिगड़े लगी। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड सूचना अनुसार दिल्ली में 400 पार कर एक्यूआई। सका सका आनंद विहार एक्यूआई 405 रही। जहांगीरपुरी, नेहरू नगर और विवेक विहार में 400 पखापाखि थी एक्यूआई। सेपरी इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट में एक्यूआई 324 अक्षरधाम 261 थी। तमाम स्थान में 250 ऊपर रही एयर क्वालिटी इंडेक्स। प्रदूषण बिगड़ा फल लोक मैंने नहीं समस्या सम्मुखीन होती। विशेषकर प्रातः भ्रमण में आसुवा लोके अणनिश्वासी हो पड़ते। जदि अक्टोबर मसर स्थिति एभली तेज आगक दिल्ली में प्रदूषण किए रूप नेब ताक नहीं चिंता प्रकट कर दिल्लीवासी। अनेक स्थान में पा स्प्रे देखा मिली। तो हम ऑलमोस्ट डेली साइकिलिंग करते हैं दिल्ली में, बट ये जो हाल फिलहाल पिछले कुछ दिनों में एयर पोल्यूशन की जो स्थिति आप देख रहे हैं दिल्ली में बढ़ती जा रही है, जिसकी वजह से जैसे हम लोग जो राइडर्स हैं इनको काफ़ी दिक्कत का सामना करना पड़ता है। जैसे कि ठीक से साइकिल नहीं चलती, सांस लेने में दिक्कत होती है, प्लस जो है थकावट बहुत जल्दी हो जाती है। इस चक्कर में तो हमको अपनी प्रिकॉशन जैसे बंडाना वगैरह पहन के तो चलते हैं, बट इससे भी कोई इतनी ज़्यादा फर्क पड़ता नहीं, क्योंकि पोल्यूशन इतना ज़्यादा बढ़ता जा रहा है कि उसका डे बाय डे इफेक्ट जो है बहुत ज़्यादा पड़ता जा रहा है। पोल्यूशन की वजह से आँखों में जलन होना, सांस लेने में दिक्कत होना, ये तो सभी को प्रभाव करता है। तो लेकिन इसके लिए है कि अपना ख्याल रखें, पानी ज़्यादा पिएं, अपनी फिजिकल एक्टिविटीज़ पर ध्यान रखें। अगर साइकिल ही चला रहे हैं तो उसे तेज़ ना चलाएं, रनिंग कर रहे हैं तो ज़्यादा ना करें, तेज़ ना करें। तो सांस तो सभी नॉर्मल तरीके से ले ही रहे हैं, तो उसी तरह से अपनी फिजिकल एक्टिविटी को मेंटेन करें। तो उस वजह से आप भी खुद देख पाओगे कि इंडिया गेट की विजिबिलिटी नहीं है और दूर तक देख भी नहीं पाते हो, धुआं धुआं लगता है, सांस लेने में भी थोड़ी दिक्कत होती है, आँखों में भी जलन रहता है, ये इश्यूज़ रहते हैं। दिल्ली में प्रतिवर्ष प्रदूषण बिगड़ा किसी नुआ कथा नुह। पंजाब और हरियाणा नड़ाकुटा जाड़ा फल दिल्ली में प्रदूषण खराब होता है। दीपावली में बाण फुटा पर स्थिति बिगड़ जाए। सुप्रीम कोर्ट घटना को नहीं बारंबार चिंता प्रकट करने सहित समस्या समाधान पर निर्देश देते भी स्थित से सुधार आसुना। दिल्ली सरकार और केन्द्र सरकार प्रदूषण को नहीं अनेक पदक्षेप ने दिल्लीर जंगल और परिवेश मंत्री गोपाल राय कहते स्थित सुधार आने केन्द्र सरकार बैठक सरी। बैठक में केन्द्र कृषि मंत्री और परिवेश मंत्री सहित दिल्ली और पंजाब विभाग मंत्री उपस्थित थे। किभली प्रदूषण को कमा जापर ध्यान दि जाऊँगी। दीपावली में दिल्लीवासी बाण न फुटेबाई अपील करते गोपाल राय। जोड़े बीजेपी कही दिल्ली में प्रदूषण रोकवे फेल मारी आप सरकार। पहला तो ये कि जो पराली जलने की घटनाएं हैं आगामी दिनों में और उसे मॉनिटर करने की जरूरत है। दूसरा जो पटाखे दिवाली पे जलते हैं, धूमधाम से लोग दिवाली मनाएं, लेकिन चूंकि अब पटाखे लोगों के जिंदगी के लिए खतरा बन रहे हैं, तो पटाखों का जो पोल्यूशन है उसको नियंत्रित करने के लिए दिल्ली सरकार के साथ साथ एनसीआर की सभी सरकारें इस पर सक्रिय पहल करें। और तीसरा, इमरजेंसी सिचुएशन अगर बनती है तो आर्टिफिशियल रेन के लिए तैयारी किया जाए। ये तीनों महत्वपूर्ण बिंदु दिल्ली की तरफ से हमने सभी मंत्रियों के समक्ष रखी है और हमें भरोसा है कि सभी लोग इस पर सक्रियता के साथ सकारात्मक तरीके से काम करेंगे। देखिए, दिल्ली में प्रदूषण जानलेवा स्थिति में है। पिछले 5 दिन से मेरा भी गला खराब है,
और मुझे भी दवाइयां लेनी पड़ रही है जिससे कि मैं ठीक रहूं और इस जानलेवा पॉल्यूशन में जीने का प्रयास करूं। अरविंद केजरीवाल जी को समझ में नहीं आएगा क्योंकि अरविंद केजरीवाल जी सिर्फ एक खास आदमी की पार्टी हो चुके हैं। उनका काम है शराब घोटाला करके पैसे बनाना, उनका काम जनता की सेवा करना नहीं है। मैं अरविंद केजरीवाल जी को ओपन चैलेंज देना चाहता हूं। अगर आपको लगता है कि आपने दिल्ली की प्रदूषित हवा को सही किया है तो यमुना में डुबकी 24 घंटे के अंदर लगा के दिखाइए। गोटेपटे दिल्ली में प्रदूषण स्थिति बिगड़ुवा बेले अनेपटे यमुना नदी दिनक दिन विषाक्त होबार लगी। यमुना नदी पानी व्यवहार अनुपयोगी हो पड़ी जहाक नहीं चिंता जाहिर कर दिल्लीवासी। केवे प्रदूषण और विषाक्त मुक्त हो दिल्ली ताकू ही अपेक्षा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 ओडिया।